हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आई हूँ, ईदर और का। इनइक्वालिटी के केस में जब आपका ईदर और का कंसेप्ट आता है और आप पहचान नहीं पाते हो क्या वो ईदर और है या बोथ रॉन्ग है, तो इन दोनों में आज मैं आपके सामने कन्फ्यूजन दूर करने जा रही हूँ कि ईदर और बोथ रॉन्ग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे इस चैनल को तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी बेसिक चीज क्या थी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा इनइक्वालिटी का तो वो जरूर देख लीजिएगा, उस पर मैंने आपको बेसिक चीजें बताई इनइक्वालिटी के बारे में, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो क्या चीज है आपके पास? सबसे पहले आपको हमेशा बताया हुआ है कि प्रायोरिटी में क्या होता है, ये इसको राजा बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग मंत्री बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनता बोलते हैं। टॉप पे हमारा हमेशा ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा। अगर इन तीनों में से अगर ये तीनों दिए हुए हैं तो हमेशा इसको इसको प्रायोरिटी बोलेंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है, केवल ये दोनों है, इसको प्रायोरिटी पे लेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो इसको प्रायोरिटी पे लेंगे। समझ में आ गए? ये चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी, अगर आपने इनइक्वालिटी मेरी प्रीवियस क्लास देखी होगी तो। ठीक है, पहली चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज ये है कि हम कैसे पहचानते हैं, ये दो चीजों में बहुत डिफरेंस होता है। एक होता है आपका बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग जो होता है, और एक होता है आपका ईदर और बोथ रॉन्ग। इसमें बहुत कंफ्यूजन आप लोग फेस करते हैं, तो आज मैं आपको वो क्लियर करने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन बाद में करूंगे, पहले इसको देखेंगे हम लोग। सवाल आपका ये है, मुझे जाना है ये वाला तीस देखनी है, ई एफ से सी जाना है। चलने हम, एफ कहाँ है ये रहा, सी कहाँ है ये रहा, चलना शुरू करते हैं। एफ से गए हम ई पर, पहुंच गए। ई से गए हम डी पे, पहुंच गए। डी से गए हम सी पे, पहुंच गए। एफ से लेकर डी तक हम पहुंच गए बिना कोई डिस्टर्बेंस के, मतलब हम आराम से पहुंच गए। तो इसका मतलब सही होना चाहिए था, पर नहीं। मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी इसमें भी, पहले तो पहुंचना होता है, पहुंच तो गए, पहुंचना पहला होता है। दूसरा क्या होता है, इनके बीच में सिंबल क्या है, अब चेक कीजिए। इधर भी मंत्री है, इधर जनता है, इधर मंत्री है, केवल तीन दो सिंबल आए, मंत्री और जनता। तो मंत्री और जनता हो तो क्या आएगा, मंत्री आता है। तो बीच में मंत्री आना चाहिए था, पर यहाँ राजा आया हुआ है, तो सिंबल की वजह से, ये तो सही था पर सिंबल की वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो ये वाला आपका गलत हो गया, इट मीन्स ये गलत है। दूसरा देखिए, वही सेम चीज, सी और एफ के बीच में क्या आना चाहिए था, अभी हमने देखा। सी और एफ के बीच में क्या आना चाहिए था, अभी हमने देखा कि मंत्री आना चाहिए था, पर यहाँ इजिकल्स टू जनता है, तो ये भी हमारा गलत ही माना जाएगा। साफ हो गई बात, तो ये दोनों गलत हो गया। तो काफी बच्चे इसको लगाएंगे बोथ रॉन्ग, लगा देंगे इसका आंसर, क्या लगाएंगे, बोथ रॉन्ग, पर नहीं, ये बोथ रॉन्ग नहीं है, इसको हम बोथ रॉन्ग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, अब देखते हैं हम इसकी कंडीशन, कि ऐसे कौन सी क्या कंडीशन हमारे सामने आ जाती है कि दोनों गलत होने के बावजूद हम इसको बोथ रॉन्ग नहीं बोलते हैं। देखिएगा, पहली कंडीशन क्या है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पे भी सी है, एफ है, सी और एफ है, एलिमेंट्स दोनों के सेम है, पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। दूसरा क्या है, दोनों गलत होने चाहिए। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दूसरी कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई बिना कोई दिक्कत के। तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों मिलके सही स्टेटमेंट बनाने चाहिए, या फिर दोनों के बीच में सारे सिंबल आने चाहिए। ये तीसरी कंडीशन, या तो ये वाली या फिर ये वाली, इन दोनों में से कोई भी तीसरा वाला फुलफिल हो जाता है, वैसे ही हमारा ईदर का बन जाता है। अब देखते हैं कौन सी वाली फुलफिल होगी, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, इसको बोथ रॉन्ग हटाई थी मैं यहाँ से। अब देखिएगा, सी और एफ, सी और एफ ही रहा, ठीक है, दोनों गलत, सब कुछ सही हो गया। अब देखो, अगर हमारा सब कुछ सही होता तो अगर इसका सही क्या होता, सी और एफ के बीच में क्या आना चाहिए था, सी और एफ के बीच में ये वाला सिंबल आना चाहिए था हमारे पास, तब ये ट्रू होता, ट्रू होता ये, अगर हमारे बीच में ये आता तो, पर हमारे पास ये है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं वन को और टू को मिला दूं तो क्या बन रहा है, ध्यान से देखना, वन और टू को मैं मिला रही हूं तो क्या बन रहा है, सी ए रहा, एफ ए रहा, इसकी वजह से ये वाला आ जाएगा, इसकी वजह से ये वाला आ जाएगा। देखो इसको मिला क्या बन गया आपका, ये वाला सिंबल बन गया, मतलब वही सिंबल जो हमें चाहिए था। देखो यही जो चाहिए था हमें, और यही यहाँ पे बन गया, सेम बन गया। इसका मतलब दोनों को मिलाने के बाद हमारा जो ट्रू स्टेटमेंट हमें चाहिए था वो हमारा बन चुका है। तो इसका मतलब हमारा दोनों मिला के सही स्टेटमेंट बनना चाहिए, वो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो तीसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। सबको समझ में आ गया, क्लियर हुआ कैसे बनाना चाहते हैं? तो ये था आपका ईदर और का केस, क्यों हमने इसको बोथ रॉन्ग नहीं कंसिडर किया, क्यों ये ईदर और के अंदर आया, ये था आपका पहला चीज। समझ में आए सभी को? ठीक है, समझ में आए? आप इसको दो बार देखोगे तो और क्लियर होगा आपको। ठीक है,
अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसके अंदर, इसमें देखो एस ये है, वापस चलते हैं, एस से हमें पी जाना है, चलो एस ये रहा, पी ये रहा। मैंने बताया था जब दो अलग अलग दे रखे हो तो किसी हमें नाव का, किसी पुल का इस्तेमाल करना पड़ता है नाव को क्रॉस, को नदी को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो नाव है वो क्यू है, दोनों के बीच का कॉमन। एस से पी, एस से मैं आर गई पहुंच गई, आर से क्यू गई पहुंच गई, क्यू से पी गई पहुंच गई, भाई पहुंच तो गई मैं, पहला वाला सही हो गया पहुंच गई, पर पहुंचने के बाद सिंबल देखना होता है। सिंबल देखिए यहाँ क्या है, जनता है, यहाँ क्या है मंत्री है, यहाँ क्या है राजा है, मतलब अगर राजा एक बार आ चुका है तो राजा ही बीच में आना चाहिए था, पर यहाँ मंत्री है, गड़बड़ गलत हो गया, गलत। अब देखो पी से गई आर, पी से आर जाना है, अब देखो पी कहाँ है मेरा देखती हूँ मैं, इसको हटा देती हूँ, पी कहाँ ये रहा, पी से गई क्यू, क्यू से गई आर, भाई पहुंच ही नहीं पाऊंगी, पी से क्यू जा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि देखो पी से क्यू जाना इम्पॉसिबल है, क्यों इम्पॉसिबल देख लिया आप लोगों ने, क्योंकि आगे एग्जिट पॉइंट आ गया है, आगे आपका एग्जिट पॉइंट आ गया है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो सबने बोल दिया इसको भी बोथ रॉन्ग, क्या बोल दिया आपने, बोथ रॉन्ग बोल दिया, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर बोथ रॉन्ग हो गया, क्योंकि भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, भाई गलत तो गलत होता है, सब कुछ खत्म हो गया गलत, पर नहीं, ये भी आपका बोथ रॉन्ग नहीं है, ये भी आपका बोथ रॉन्ग नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब हम वो देखते हैं, इसके लिए भी कंडीशन है, देखते हैं, सेम यही चीज फॉलो करेंगे अभी हम, इसको हटाती हूँ मैं आपका, इसको हटा देती हूँ, अब इसको देखते हैं सेकंड वाले को, क्या इसमें ऐसा हुआ कि आपका बोथ रॉन्ग नहीं हुआ। देखिए पहली कंडीशन थी इधर की, एलिमेंट शुड बी सेम, पर यहाँ देखिए एस और पी है या आर और पी है, यहाँ सेम भी नहीं है, तो देखो एक आपने गलती कर दी, आर और एस बराबर है, चाहे मैं इसको ये लिखूं या मैं इसको ये लिखूं, बात बराबर है, बात आपकी बराबर है, आर और एस हमारे बराबर है, तो मैंने इसकी जगह पे ये लिख लिया, अब सेम हो गया। अब इसको देखिए और इसको देखिए, एस पी एस पी, पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई कि भाई एलिमेंट सेम है, दोनों गलत होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है मतलब ये भी गलत है, बात बराबर है ना, इसका डुप्लीकेट लिखा है केवल मैंने, ये गलत है ये भी गलत है, दोनों गलत भी हो गए, सेकंड वाले भी कंडीशन ट्रू हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों मिला के सही स्टेटमेंट बनने चाहिए, या फिर दोनों के बीच में सारे सिंबल आने चाहिए, तीसरी कंडीशन। अब तीसरे को फुलफिल करना है, देखो अगर हमारा, देखो एस और पी की बात हो रही है, एस ये रहा पी ये रहा, एस और पी की ऐसी कोई कंडीशन है जो हमारे सही है, नहीं है भाई, एस और पी तक कभी सही हो सकता था, देखो एस और बीच में ये तो आएगा ही नहीं, ये वाली सही हो सकती थी, एस और पी के बीच में ये वाला सही हो सकता है, ट्रू कंडीशन क्या है एस और पी के बीच में, ये वाली है, क्योंकि देखो जो मुंह कहां पे आएगा, सॉरी ये वाला नहीं, हाँ यही वाली होगी ना, हाँ ये वाली सही है, ट्रू कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए थी, मुंह आपका एस की तरफ आना चाहिए था, जो यहाँ पे था मुंह तो एस की तरफ था इसलिए हमने पहुंच गए, लेकिन बीच में सिंबल की गड़बड़ थी ना, सिंबल आपका राजा आना चाहिए था, ये वाला सही होता हमारा, पर देखो अगर ना तो इससे बन रहा ना इससे बन रहा, इससे भी नहीं बन रहा है, इससे भी नहीं बन रहा, दोनों को मिलाएंगे तो भी नहीं बनेगा, दोनों को मिलाने पे भी नहीं बनेगा, तो मतलब ये तो सही बैठेगा नहीं, फिर हमारा क्या बैठेगा, इन दोनों के बीच में सारे सिंबल आने चाहिए, देखो पहली वाली के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास ये सिंबल आ रहा है ये वाला, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास क्या आ रहा है, ये सिंबल है, देखो तीनों आ गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक इसी का शुगर, तीनों सिंबल हमारे आ गए, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो ये कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों के बीच में सारे सिंबल आने चाहिए, तो तीसरी कंडीशन में फुलफिल हो गई, तो ये बन गया हमारा इधर और, क्या बन गया हमारा इधर और बन गया, समझ में आया सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बच्चों को ये बात नहीं पता है कि बोथ रॉन्ग और इधर और में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बच्चे बहुत सारी जगह पे गलत करते हैं और आप भी उनमें से हो सकते हो, आपको पता है ये बात, खुद से दिल पे हाथ रख के पूछना कितने ऐसे लोग हैं जो बोथ रॉन्ग और इधर और का केस में कितना कंफ्यूज होते हैं, मुझे लगता है सब लोग आज तक आपको हमेशा इधर और का ये वाला केस समझाते आए हैं, कोई भी आपको ये केस नहीं समझाएगा इधर और का, कोई भी नहीं समझाएगा, पर ये भी आपका ट्रू है, इधर और का सबसे इंपॉर्टेंट केस हमारे पास यही है, जो बहुत ही कम बच्चों को आता होगा, बहुत कम लोगों को पता भी होगा कि एक ऐसा केस ही बनता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने बाकी दोस्त को शेयर कीजिएगा, वो भी देखे, वो भी समझे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है,
कि आजकल इनइक्वालिटी असमानता आपके हर एक एग्जाम में आती है, ये आपको ही पता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक का बटन दबाइए और भाई सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए जुड़े हमसे आज पहली बार। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए लॉजिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।